हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है और साथ में कभी ना धूप खिल रही है और कभी बादल हुआ जा रहा है, जिससे ना ठंड तो साथ साथ बनी हुई है। और वैसे भी ठंड तो आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो बार बार ना कभी धूप निकल रही है, कभी आ जा रही है, तो इससे ना ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने ना देखिए सिर में कैप डाल ली है, साल ओढ़ लिया है, सुबह सुबह का टाइम है और एक साइड मैंने चढ़ा लिए हैं आलू और दूसरी तरफ है दूध, और ये पानी गर्म करके रखा है। युग और युग के पापा के लिए लेके चली जाऊंगी अभी, तो लेके चलते हैं सुबह पानी। तो हैं गिलास, युग युग पकड़, उठ जा, उठ जा। मैं पानी दे के आ गई इनको नीचे, इसके बाद ये उठ जाएंगे और फिर ऊपर आकर ये किचन में आकर चाय और दूध पियेंगे चूल्हे के पास। सुबह ठंड होती है तो ना सुबह सुबह उठ के करना भी क्या होता है, सुबह ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसलिए बेड में पी लेते हैं पानी, उसके बाद उठ के आ जाते हैं। और फिर उसके बाद नहाना धोना होता है, तो यहाँ भी दिखाती हूँ, देखिए बाहर थोड़ा अंधेरा ही है अभी। हल्का हल्का सा अंधेरा है, ज्यादा तो नहीं। सुबह का टाइम, आज ना मौसम थोड़ा बादल सा, देखिए थोड़ा बादल बादल सा है, बहुत ही ज्यादा। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट कितनी अच्छी लग रही है, अभी मेरी ये ना मिर्ची सूखने का नाम नहीं ले रही है। सुबह के टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना, मेरी बन रही है सूखी भिंडी। भिंडी को काट के रखा हुआ था, उसके उसको खोया हुआ था, और आज मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैंने इसमें पहले इसको भी भिगो लिया था 5 मिनट के लिए गर्म पानी में। अब इसको बस निचोड़ रही हूँ, इस तरह से निचोड़ना है इसको। जहाँ पर आप एक डालते हो तो दो डाल लेना, दो डालते हो तो तीन डाल लेना, सब्जी के हिसाब से जितनी आप सब्जी बना रहे हैं। इससे क्या होता है कि इसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है, सूखी सब्जी है इसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, इसीलिए थोड़ा चढ़ा दिया है मैंने सब्जी उस तरफ। और यहाँ पर बनाऊँगी मैं रोटियां, आटा लगा लिया था मैंने पहले ही। गुड मॉर्निंग, आज है शुक्रवार और मेरा है वैभव लक्ष्मी का व्रत, तो मैं लूंगी एक चाय, एक दूध का गिलास और एक केला। मैं वैसे तो मैं कुछ भी नहीं लेती थी, पूरा दिन पानी वगैरह पी लेती थी और खाने के नाम पर कुछ भी नहीं लेती थी। पर उससे ना मेरे को क्या होता था, शाम होते होते ना मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो जाती थी, इसलिए थोड़ी सी शरीर में भी एनर्जी बनी रही, क्योंकि मेरे को कपड़े सिलाई भी करने होते हैं, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ एक दूध और केला, और फिर मिलते हैं बाद। जैसे मैं अपनी दुकान से सफाई करके पूजा पाठ करके निकली, तो मैं इसकी दुकान में आई इधर अपनी देवरानी की, इससे ऐसी पूछने के लिए, तो यहाँ पे और भी थे और साथ में गप्पे लड़ा रहे थे ये भी खड़े होके। यहाँ पर है शनिवार का दिन और मैं गई थी मम्मी डैडी के घर, तो डैडी जी बातें कर रहे थे क्योंकि उनके यहाँ पर कोई देवता ब्राह्मण के ऊपर निकले हुए थे, तो इसीलिए उनसे बात कर रहे थे। और साथ में देखिए किचन में बैठे हुए थे हम सब,
बैठ के ना गप्पे लड़ा रही थी ये चूल्हे के पास बैठ के। हाँ डर जी ससुर जी का देखना पड़ेगा मेरे को। ससुर जी का भाभी ब्याह वाले टेस्ट भरते थे। ये रही मेरी देवरानी साहिबा, ये है इसकी दुकान। ये देखिए इस तरफ है मेरी दुकान उधर, और ये रही इसके पास भी कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है। और ये है इसकी इंटरलॉक की मशीन, और ये रहा ब्यूटिशियन का काम का।